दोस्तों क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं करीब 250 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं। कई बार मेरे सब्सक्राइबर जो है ये पूछते हैं कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं यही रिवील करने वाला हूं कि मैं अपने डे टू डे स्पेंड के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं। बट दोस्तों आपको ये तो शायद पता ही होगा कि हर क्रेडिट कार्ड हर तरह के स्पेंड के लिए बेस्ट नहीं होता है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड अलग अलग तरह की स्पेंड कैटेगरीज के लिए बेस्ट होते हैं और इसीलिए बहुत लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं और मैं भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को यूज करता हूं। बट मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि आपको हर स्पेंड से पहले यह सोचना पड़ता है कि इस स्पेंड के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। इस दुविधा से बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप एक बार में क्रेडिट कार्ड की स्ट्रेटेजी बना ले, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके जो भी तरह के स्पेंड है उन सारे स्पेंड पर कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है वो पहले ही डिसाइड कर ले, ताकि आपको उस तरह के स्पेंड पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करना है। वो अपने काम पहले ही एक बार किया हुआ है तो उस तरह के स्पेंड पर आपको डायरेक्टली वही क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जो क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटेजी है 2024 की वो बताने वाला हूं कि मैं कौन से क्रेडिट कार्ड अपने किन किन तरह के स्पेंड के लिए यूज करता हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों मैं टोटल 5 क्रेडिट कार्ड मेनली यूज करता हूँ एवरी मंथ, जिसमें पहला क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। पर दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड मैं अपने पॉकेट में नहीं रखता हूँ क्योंकि ये मेरा डिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड को मैं यूज करता हूँ HDFC बैंक का जो स्मार्ट बाय पोर्टल है उस पर जो भी मिलता है सिर्फ उस पर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूं। मतलब होटल बुकिंग में ये क्रेडिट कार्ड मेरे को 33% का वैल्यू बैक जो है वो दे देता है। फ्लाइट बुकिंग पर 16.67% का वैल्यू बैक जो है ये क्रेडिट कार्ड दे देता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है दोस्तों इंस्टेंट गिफ्ट वाउचर का जो ऑप्शन स्मार्ट बाय पोर्टल पर है HDFC बैंक की, वहां पर मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ कुछ ऐसे इंस्टेंट गिफ्ट वाउचर से जिनको मैं एवरी मंथ परचेज करता हूँ। उसमें जो पहला ऐसा इंस्टेंट गिफ्ट वाउचर है वो है दोस्तों Amazon शॉपिंग वाउचर। एवरी मंथ में लगभग 10,000 रुपए का Amazon शॉपिंग वाउचर लेता हूं जिस पर मुझे 16.67% का वैल्यू बैक मिल जाता है, जिसको मैं Amazon में लोड कर लेता हूं। इसके बाद Amazon से मुझे जो भी शॉपिंग करनी होती है, जैसे ग्रोसरी में सारी Amazon से शॉप करता हूं, इसके अलावा जो भी सामान मुझे वहां से लेना होता है उसी गिफ्ट वाउचर बैलेंस को यूज करता हूं। तो इफेक्टिवली Amazon पर हर तरह की शॉपिंग पर मुझे 16.67% का वैल्यू बैक मिल जाता है। इसके अलावा Flipkart के गिफ्ट कार्ड भी मैं स्मार्ट बाय पोर्टल से परचेज करता हूँ। सो Flipkart पर भी कुछ भी परचेज करना है तो 16.67% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। तीसरा जो गिफ्ट वाउचर मैं परचेज करता हूँ दोस्तों वो है Myntra का गिफ्ट वाउचर। Myntra पर भी 16.67% का वैल्यू बैक जो है इस गिफ्ट वाउचर पर मिल जाता है स्मार्ट बाय साइट के थ्रू HDFC बैंक की। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि HDFC बैंक का जो स्मार्ट बाय पोर्टल है उसमें अधिकतर बार 3% या 4% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी रहता है Myntra के गिफ्ट वाउचर के ऊपर। मतलब 3-4% का तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल गया और 16.67% का जो है आपको वैल्यू बैक मिल गया, तो इफेक्टिवली आपको 19-20% का बेनिफिट जो है वो Myntra पर मिल जाता है। Myntra के गिफ्ट वाउचर को भी मैं Myntra में जाके उसका एक वॉलेट है उसमें लोड कर लेता हूँ, और आगे कभी भी Myntra पर कुछ भी शॉपिंग करनी होती है तो जो लोड किया है गिफ्ट कार्ड उसी गिफ्ट कार्ड से मैं सारे पेमेंट्स करता हूँ। अगला जो गिफ्ट कार्ड जो मैं एवरी मंथ परचेज करता हूँ दोस्तों वह है स्विगी मनी का गिफ्ट कार्ड। स्विगी का करीब 2,000 रुपए का जो गिफ्ट कार्ड मैं एवरी मंथ स्मार्ट बाय पोर्टल से इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके जो है परचेज करता हूँ, तो उससे मुझे स्विगी पर भी इफेक्टिवली 16.67% का वैल्यू बैक मिल जाता है। और Myntra की तरह यहाँ भी दोस्तों अक्सर 1-2% का डिस्काउंट जो है चलता रहता है, तो ये 16.67% का तो वैल्यू बैक इन्फिनिया की तरफ से स्मार्ट बाय के थ्रू और 2-3% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट होता है वो मिला के करीब 18-19% का वैल्यू बैक प्लस डिस्काउंट जो है वो स्विगी पर भी इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके स्मार्ट बाय के थ्रू गिफ्ट वाउचर परचेज करके मिल जाता है। इसके अलावा HDFC स्मार्ट बाय का सबसे बड़ा बेनिफिट जो दोस्तों है वो है Amazon पे का गिफ्ट कार्ड। दोस्तों Amazon पे का गिफ्ट कार्ड जो है Amazon शॉपिंग वाउचर से डिफरेंट रहता है। Amazon शॉपिंग वाउचर जो वो सिर्फ आप Amazon पर
फिजिकल गुड्स को परचेज करने में यूज कर सकते हैं, बट अमेजोन पे का जो गिफ्ट कार्ड रहता है उसको आप अमेजोन पर तो यूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा अमेजोन पर सारे बिल पेमेंट में, रिचार्जेस में, उन पर यूज कर सकते हैं। और ऐसी सैकड़ों हजारों वेबसाइट से जो रेजर पे, पेयू के गेटवे को यूज करते हैं पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, वहां पर आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखता है और उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर भी अमेजोन पे का ऑप्शन आपको नजर आता है, तो वहां पर ये अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड का जो बैलेंस है उसको यूज कर सकते हैं। एवरी मंथ 20,000 रुपीज तक का अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड जो है आप स्मार्ट बाय से परचेस कर सकते हैं, और आपके पास इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है तो आपको 16.67% का वैल्यू बैक इसमें मिल जाता है। यहां पर आपको 2.95% का एक कन्वीनियंस फी है वो पे करना होता है, तो उसको पे करने के बाद भी इफेक्टिवली नेट नेट आपको 13.72% का वैल्यू बैक मिल जाता है। मतलब जहां भी जिस भी साइट पर, ऐप पर अमेजोन पे पेमेंट ऑप्शन के फॉर्म में एक्सेप्ट होता है उन सारी साइट्स पर इफेक्टिवली मुझे 13.72% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों ये होगी HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड की बात। इसके अलावा मैं इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को कहीं यूज नहीं करता, सिर्फ स्मार्ट बाय पोर्टल पर जो सारे ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं वहीं पर यूज करता हूँ। टोटल महीने में 15,000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट जो स्मार्ट बाय के थ्रू मिल जाते हैं, और बेस रिवॉर्ड पॉइंट जो 3.33% की रेट से मिलते हैं उनका तो कोई लिमिट इसमें है ही नहीं। ये कार्ड कैसे अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड एक इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है, इसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है उस पर अगर आप 10,00,000 रुपए से ज्यादा के स्पेंड करते हैं किसी भी कैलेंडर ईयर में तो अगले साल आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक को इन्फिनिया में अपग्रेड करने की, बट वो अपग्रेड आपको तभी मिलेगा जब आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो भी करीब 8-10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की हो। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनल क्राइटेरियाज रहते हैं बैंक के साथ, आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, लंबा रिलेशन होना चाहिए, उसकी बेसिस पे ही ये आपको क्रेडिट कार्ड जो है मिल सकता है। बट अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, मतलब 2-3 लाख रुपए नेट मंथली सैलरी जो आपकी अकाउंट में क्रेडिट होती है, तब भी आप अपना सैलरी अकाउंट जो HDFC बैंक में खुलवा सकते हैं और ये क्रेडिट कार्ड जो है वो लेने का ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूवी टिकट बुक करने के लिए मैं IDFC बैंक का वेल्थ क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो एक मूवी टिकट पर एक मूवी टिकट फ्री देता है महीने में 2 बार, और फ्री मूवी टिकट की जो वैल्यू है वो भी 500 रुपीज की होती है। तो सिर्फ एक मूवी टिकट के लिए ये मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है जिसको मैं यूज करता हूँ। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री मूवी टिकट इसमें मिल जाता है। वेल क्रेडिट कार्ड दोस्तों आसानी से मिल जाता है, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आपको ये कार्ड इंस्टेंटली अप्लाई हो जाता है और काफी जल्दी मिल भी जाता है, और ये क्रेडिट कार्ड परमानेंटली लाइफ टाइम फ्री है, कोई ज्वाइनिंग या रिन्यूअल फी नहीं है। तीसरा जो क्रेडिट कार्ड दोस्तों मैं यूज करता हूँ वह है HDFC बैंक का टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड, और ये क्रेडिट कार्ड दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ UPI को QR कोड को स्कैन करके जो पेमेंट्स करने होते हैं सिर्फ उनके लिए करता हूँ, क्योंकि वहां पर ये क्रेडिट कार्ड जो है 1.5% का वैल्यू बैक दे देता है नियो क्वाइंस की फॉर्म में, जिसको मैं बिग बास्केट, 1MG और कई सारे जो टाटा के ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रोमा वगैरह हो गया, वेबसाइट हो गया, वहां पर मैं यूज कर सकता हूँ। कोई भी और क्रेडिट कार्ड 1.5% का वैल्यू बैक QR कोड को स्कैन करके जो UPI पेमेंट्स करते हैं उन पर नहीं देता है, तो ये क्रेडिट कार्ड एक काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड हो जाता है। ये क्रेडिट कार्ड अभी दोस्तों फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी है, मतलब आपकी अच्छी इनकम है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है, और अगर लाइफ टाइम फ्री नहीं भी मिलता है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको फर्स्ट ईयर फ्री के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। 2-3-4 महीने तक इसको आप रेगुलरली यूज कीजिए, अच्छा यूज हो जाता है, उसके बाद आप कस्टमर केयर को कॉल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री बनाने का। बहुत ही आसानी से ये कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। मुझे भी ये क्रेडिट कार्ड इनिशियली फर्स्ट ईयर फ्री ही मिला था, मैंने 3 महीने इसको यूज किया और उसके बाद बैंक को कॉल किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कर दीजिए, तो उन्होंने इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कर दिया सिर्फ एक कॉल से। अगला जो क्रेडिट कार्ड जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ दोस्तों वो है एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ मैं यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में यूज करता हूँ, इसका यूज करता हूँ मैं अपने एयरटेल के मोबाइल रिचार्ज में और एयरटेल के ब्रॉडबैंड के पेमेंट्स में, जिस पर मुझे 25% का रियल कैशबैक मिल जाता है अप टू 300 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में और पाइप गैस के पेमेंट में भी मैं इस कार्ड को यूज करता हूं, उस पर मुझे अलग से 10% का रियल कैशबैक मिल जाता है अप टू 300 रुपीज पर मंथ। सिर्फ इन दोनों चीजों पर ही मैं इस कार्ड को यूज करता हूं, एयरटेल पर पेमेंट में और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में। इस कार्ड को आप सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, ये कार्ड भी फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है,
और इसकी जो रिन्यूअल फी है वो 590 रुपये GST मिला के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड जो मेरा डिफॉल्ट स्पेंड कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, मतलब और जितने भी स्पेंड है, मतलब स्मार्ट बाय के सारे स्पेंड हो गए, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो गए, UPI पेमेंट्स हो गए, मूवी टिकट्स हो गए, इन सारे स्पेंड को हटाने के बाद बाकी जितने भी तरह के स्पेंड होते हैं उस पर मुझे सोचने की जरूरत नहीं। ये अकेला क्रेडिट कार्ड है जो मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ और इसको यूज करता हूँ, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके मुझे मिनिमम 5.67% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। इससे भी कहीं अच्छा ज्यादा वैल्यू बैक इस कार्ड से मिल सकता है। स्क्रीन पर आप एक टेबल जो है वो देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी पर ये क्रेडिट कार्ड कितना वैल्यू बैक देता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड पर आप 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा का स्पेंड करते हैं, 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड करते हैं और 15 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो आपका वैल्यू बैक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्रेडिट कार्ड्स में से एक है आज इंडिया में, और इस क्रेडिट कार्ड पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो को देखकर इस कार्ड के बेनिफिट्स को समझ सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड दोस्तों ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो सिर्फ ज्वाइनिंग बेनिफिट के लिए भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है 5,900 रुपए की ज्वाइनिंग फी के अगेंस्ट में 10,000 एयर माइल्स देता है, जो आसानी से 10,000 वर्थ के फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग में काम आ सकता है। यहां तक कि 10,000 एयर माइल्स को अगर आप एक और होटल्स में यूज करते हैं तो आपको 18,000 रुपए तक का होटल बुकिंग, यहां तक कि वहां का जो फूड वगैरह का जो बिल है वो भी आप चुका सकते हैं। मतलब 5,900 रुपए की ज्वाइनिंग फी के अगेंस्ट में 18,000 रुपए तक का बेनिफिट जो है इस कार्ड के साथ मिल जाता है, और रेगुलर बेनिफिट्स तो इस कार्ड के बहुत ही बढ़िया है। तो जितने भी अदर स्पेंड है मेरे, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, फ्यूल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, स्कूल ट्यूशन फी होगी, गवर्नमेंट पेमेंट्स होगी, इस तरह के सारे स्पेंड पर मैं ये क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ। इस कार्ड को भी अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधा ऑनलाइन इस कार्ड को अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये है मेरे 5 क्रेडिट कार्ड जिनको यूज करके मैं अपने सारी तरह के स्पेंड पर मैक्सिमम वैल्यू बैक और कैशबैक जो है वो पाता हूं। तो ये था वीडियो मेरी अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी के बारे में, क्रेडिट कार्ड लाइफ के बारे में, क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटजी के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, अच्छा लगाओ, इंटरेस्टिंग लगाओ तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।